हेलो फ्रेंड्स आज हम डिस्कस करेंगे फोरबैक्स डायग्राम्स के बारे में देखिए, फोरबैक्स डायग्राम्स की बात करें तो इनको हम ई पी डायग्राम या पोटेंशियल पीएच डायग्राम या प्री डोमिनेंस एरिया डायग्राम भी कहते हैं देखिए E यहां पर पोटेंशियल को रिप्रेजेंट कर रहा है अब इन डायग्राम्स को प्री एरिया डायग्राम क्यों कहते हैं क्योंकि ये डायग्राम किसी पर्टिकुलर स्पीशीज के लिए प्रीडोमिनेंट एरिया को रिप्रेजेंट करते हैं अब इन डायग्राम्स की बात करें तो इनको सबसे पहले 1938 में मार्सेल फोरबैक्स ने इंट्रोड्यूस किया था फोरबैक्स ने इन डायग्राम्स का यूज नेचुरल वाटर में स्पीसीज़ की केमिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस करने के लिए किया था अब इन डायग्राम्स की बात करें तो इनका पर्टिकुलर यूज एनवायरमेंटल और कोरोजन साइंस में होता है जैसे अगर हम आयरन की बात करें तो आयरन का कोरोजन किन किन कंडीशन में हो सकता है और किन कंडीशन में उसको कोरोजन से प्रिवेंट किया जा सकता है तो इसका पता लगाने के लिए पॉर्बेक्स डायग्राम का यूज किया जाता है अब पॉर्बैक्स डायग्राम की बात करें तो ये पीएच और पोटेंशियल की कंडीशन में किसी भी स्पेशीज के लिए थर्मोडाइनेमिक स्टेबिलिटी को इंडिकेट करते हैं अब किसी भी स्पीसीज के लिए जब फॉरबैक्स डायग्राम बनाते हैं तो हम पोटेंशियल या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को वाई एक्सिस पर रिप्रेजेंट करते हैं और पीएच को एक्स एक्सिस पर रिप्रेजेंट करते हैं देखिए ये हो जाएगा फॉरबैक्स डायग्राम का सिंपल रिप्रेजेंटेशन यहाँ एक्स एक्सिस पर हम पीएच को रिप्रेजेंट करेंगे और वाई एक्सिस पर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को वोल्ट में रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू करें तो लेफ्ट साइड लो पीएच रहेगी और राइट साइड हाई पीएच रहेगी अब पोटेंशियल की पॉजिटिव वैल्यू की बात करें तो वो स्ट्रॉन्ग एजेंट को इंडिकेट करती है और अगर पोटेंशियल की नेगेटिव वैल्यू की बात करें तो वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट को इंडिकेट करती है तो ये हो गया डायग्राम का जनरल इंट्रोडक्शन अब इसको हम आयरन के एग्जाम्पल से समझते हैं अब आयरन के फोरबेक्स डायग्राम की बात करें तो वो नेचुरल वाटर में आयरन की डिफरेंट स्पीसीज के लिए पोटेंशियल और पीएच की टर्म में स्टेबिलिटी रेंज को रिप्रेजेंट करता है अब नेचुरल वाटर में आयरन कौन कौन से रिएक्शन शो करता है उनको हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले बात करते हैं इस रिएक्शन की इस रिएक्शन में देखिए प्लस थ्री आयन जो है वो एक इलेक्ट्रॉन गेन करके एक्वस एफी प्लस टू आयन में कन्वर्ट हो रहा है और इस रिएक्शन के लिए ई नॉट की वैल्यू प्लस जीरो पॉइंट सेवन सेवन वोल्ट हो जाएगी अब इस रिएक्शन की बात करें तो ये एक तरह की रिडोक्स रिएक्शन होती है और इस रिएक्शन को देखें तो इसमें किसी भी एच प्लस का इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो हम कह सकते हैं जो पोटेंशियल की वैल्यू है वो पीएच की वैल्यू पर डिपेंड नहीं करती है इस वजह से डायग्राम में हम इस रिएक्शन को ए बी हॉरिजोंटल लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे या हम कह सकते हैं एफी प्लस थ्री और एफ प्लस टू के इक्लिबीरियम को हम हॉरिजोंटल लाइन ए बी से रिप्रेजेंट करेंगे अब इस लाइन के अब बात करें तो यहाँ पर एफ प्लस e थ्री डोमिनेंट रहेगा और इस लाइन के बिलो बात करें तो यहाँ पर एफ प्लस e टू डोमिनेंट रहेगा या हम कह सकते हैं यहाँ पर एफी प्लस टू एज ए मेजर स्पीसीज रहेगा और ये हॉरिजॉन्टल ए बी लाइन इन दोनों के बीच की एक बाउंड्री लाइन हो जाएगी अब देखिए फॉरबेक्स डाइग्राम में जो रिडोक्स रिएक्शन होती है उसको हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन से ही रिप्रेजेंट किया जाता है अब बात करते हैं सेकेंड की। इस रिएक्शन को अगर हम देखें तो यहाँ पर एक्वस थ्री फेरिक हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो रहा है और इस रिएक्शन में अगर हम आयरन और हाइड्रोजन के लिए ऑक्सीडेशन स्टेट को कंसीडर करें तो ना तो आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रही है और ना ही हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रही है तो हम कह सकते हैं इस रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो ये रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन नहीं होगी क्योंकि एक तरह की एसिड बेस रिएक्शन होगी अब यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर में कोई भी चेंज नहीं आ रहा है तो या हम कह सकते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं हो रहा है तो ये रिएक्शन जो है वो पोटेंशियल पर डिपेंड नहीं करेगी इसलिए इस रिएक्शन को हम इस डायग्राम में वर्टिकल लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे क्योंकि तो इसमें एच प्लस आय का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है तो मीन्स ये रिएक्शन पीएच पर डिपेंड करेगी अब इस डायग्राम में एफ प्लस थ्री की बात करें तो उसका फॉर्मेशन लो पीएच में हो रहा है देखिए ये एफ़ प्लस थ्री है और इसके लिए पीएच की वैल्यू लो है और अगर फेरिक हाइड्रोक्साइड की बात करें तो उसके लिए पीएच की वैल्यू हायर हो रही है या अगर सिंपल हम कहना चाहें, तो इस, इस साइड तो एफी प्लस थ्री डोमिनेंट रहेगा और इस वर्टिकल लाइन के इस तरफ फेरिक हाइड्रोक्साइड डोमिनेंट रहेगा या वो मेजर स्पीसीज रहेगा अब फॉरबैक्स डायग्राम में एसिड बेस रिएक्शन की बात करें तो उसको हमेशा वर्टिकल लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है क्योंकि यहाँ पर ये रिएक्शन पोटेंशियल की वैल्यू पर डिपेंड नहीं करती है और अगर पोटेंशियल की वैल्यू चेंज भी होती है तो वहां पर पीएच की वैल्यू में कोई भी चेंजेस नहीं आते हैं अब बात करते हैं थर्ड रिएक्शन की देखिए इस रिएक्शन में जो फेरिक हाइड्रोक्साइड है वो एक्वस एफ टू आयन में कन्वर्ट हो रहा है अब इस रिएक्शन में H प्लस आयन और इलेक्ट्रॉन दोनों का इन्वॉल्वमेंट है तो ये रिएक्शन जो है वो रिडो रिएक्शन और एसिड बेस रिएक्शन का कॉम्बिनेशन हो जाएगा अब इस रिएक्शन में पीएच की बात करें तो जैसे जैसे पीएच इंक्रीज होती है पोटेंशियल की वैल्यू कंटिन्यू ड्रॉप होती रहती है अब इस रिएक्शन को हम लाइन बी डी से समझ सकते हैं देखिए ये बी पॉइंट और ये डी पॉइंट जैसे जैसे पीएच की वैल्यू इंक्रीज हो रही है ई e की वैल्यू या पोटेंशियल की वैल्यू डिक्रीज हो रही है अब यहां पर इस रिएक्शन में एफ प्लस टू और फेरिक हाइड्रोक्साइड के लिए ये बी डी लाइन बाउंड्री लाइन हो जाएगी या हम कह सकते हैं ये लाइन इस रिएक्शन के लिए इक्विबेरियम को रिप्रेजेंट कर रही है अब इस लाइन के लेफ्ट साइड की बात करें तो यहाँ पर एफ मेजर स्पीसीज होगा और इस लाइन के राइट right साइड की बात करें तो यहाँ पर फेरिक हाइड्रोक्साइड मेजर स्पीसीज रहेगा अब नेक्स्ट लेते हैं फोर्थ रिएक्शन देखिए इस रिएक्शन में अगर हम आयरन और हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट को कंसीडर करें तो इन दोनों की ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई भी चेंज नहीं आ रहा है तो यहाँ पर ये रिएक्शन एसिड बेस रिएक्शन होगी मींस ये रिएक्शन पीएच डिपेंडेंट तो होगी क्योंकि यहाँ पर एच प्लस का इन्वॉल्वमेंट है लेकिन ये रिएक्शन रिडोक्स रिएक्शन नहीं होगी क्योंकि यहाँ पर किसी भी एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई भी चेंजेस नहीं आ रहे हैं तो यहाँ पर ये एसिड बेस रिएक्शन है तो जैसा कि हमने डिस्कस किया है एसिड बेस रिएक्शन हमेशा वर्टिकल लाइन से रिप्रेजेंट की जाती है क्योंकि यहाँ पर ये रिएक्शन पोटेंशियल की वैल्यू पर डिपेंड नहीं करती है और अगर पोटेंशियल की वैल्यू चेंज भी होती है तो वहां पर पीएच की वैल्यू में कोई भी चेंजेस नहीं आते हैं तो इस रिएक्शन को हमने यहाँ पर लाइन डीई से रिप्रेजेंट किया है अब लाइन डीई की बात करें तो वो इस रिएक्शन के लिए इक्म स्टेट को रिप्रेजेंट कर रही है इस लाइन के लेफ्ट साइड में Fe+2 प्लस टू आयन मेजर स्पीसीज होगा और इस लाइन के राइट right साइड में फेरस हाइड्रोक्साइड मेजर स्पीसीज होगा अब बात करते हैं फिफ्थ रिएक्शन की तो देखिए इस रिएक्शन में फेरिक हाइड्रोक्साइड फेरस हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो रहा है और यहाँ पर इस रिएक्शन में H प्लस और इलेक्ट्रॉन दोनों का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है तो ये रिएक्शन रेडॉक्स रिएक्शन और एसिड बेस रिएक्शन का कॉम्बिनेशन होगी अब इसको हम लाइन डी एफ से रिप्रेजेंट कर सकते हैं देखिए यहाँ पर जो लाइन बनी हुई है वो डी एफ लाइन इस रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है अब डीएफ लाइन की बात करें तो वो इस रिएक्शन के लिए इक्विबेरियम स्टेट को रिप्रेजेंट कर रही है अब इस लाइन के इस तरफ बात करें तो यहाँ पर फेरिक हाइड्रोक्साइड मेजर स्पीसीज के फॉर्म में रहेगा और इस लाइन के इस तरफ बात करें तो यहाँ पर फेरस हाइड्रोक्साइड मेजर स्पीसीज के फॉर्म में होगा अब देखिए यहाँ पर हमने जिन कॉम्बिनेशन रिएक्शन को डिस्कस किया है उनको हमेशा पोरबैक्स डायग्राम में स्लोप लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है अब देखिए इस डायग्राम की बात करें तो इसमें दो स्लोप लाइन अब ई e की वैल्यू अगर अपर लाइन से ज्यादा होती है तो उसके इस इसमें एच टू जो है वो ओ टू में ऑक्सीडाइज हो जाएगा और अगर ई e की वैल्यू लोअर लाइन से कम होती है तो उसके एच टू एच टू में रिड्यूस H2 हो जाएगा देखिए यहाँ पर जो हमने फॉरबेक्स डायग्राम डिस्कस किया है उसमें आयरन की जो डिफरेंट रिएक्शन है वो वाटर के स्टेबिलिटी फील्ड में होती है ये दोनों लाइंस वाटर की स्टेबिलिटी फील्ड को रिप्रेजेंट करती हैं। मींस इस फील्ड में ये जो आयरन की डिफरेंट स्पीसीज हैं, वो ना तो वाटर को रिड्यूस कर सकती हैं और ना ही वो वाटर को ऑक्सीडाइज कर सकती हैं। लेकिन अगर हम जी एच लाइन के ऊपर की बात करें तो यहाँ पर वाटर को ऑक्सीडाइज किया जा सकता है और आई जे लाइन के नीचे की बात करें तो यहाँ पर वाटर को रिड्यूस किया जा सकता है अब देखिए इस फॉरबैक्स डायग्राम की समरी देखते हैं यहाँ पर सबसे पहले रेडॉक्स रिएक्शन की बात करें तो उसको हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन से रिप्रेजेंट किया जाएगा क्योंकि ये पीएच इंडिपेंडेंट होती है और एसिड बेस रिएक्शन की बात करें तो इसको हमेशा वर्टिकल लाइन से रिप्रेजेंट किया जाएगा क्योंकि ये पोटेंशियल इंडिपेंडेंट होती है और कंबाइंड रिएक्शन की बात करें तो उनको हमेशा स्लोप लाइन से रिप्रेजेंट किया जाएगा क्योंकि ये रिएक्शन पीएच और पोटेंशियल दोनों पर डिपेंड करती है और यहाँ पर जो डिफरेंट लाइंस बन रही हैं वो दो स्पीसीज के बीच में इक्विबीरियम स्टेट को रिप्रेजेंट करती है और यहाँ पर जो डिफरेंट एरिया ड्रॉ किए हुए हैं वो उस पर्टिकुलर स्पीसीज के area को को करते हैं। हैं। इसीलिए हम area diagram भी कहते हैं। जैसे इस एरिया की बात करें तो यहाँ पर एफ प्लस थ्री आयन प्रीडोमेंट होगा इस ग्रीन एरिया की बात करें तो यहाँ पर एफी प्लस टू इस ब्लू एरिया में फेरिक हाइड्रोक्साइड और इस प्रिंक एरिया में फेरस हाइड्रोक्साइड डोमिनेट करेगा तो ये हो गया आयरन का फोरबैक्स डायग्राम।